बर्ड के लिए जो अच्छा रहेगा। बर्ड आपके सामने बहुत हेल्दी आराम मजे से बैठा है। कोल्ड स्टोरेज होता है जी, कोल्ड रूम है ये। यहाँ आप देखेंगे कि एकदम दोस्तों क्वांटिटी देखो आप कितनी अच्छी क्वांटिटी है, एक दिन के अंडे हैं ये। डेली शाम को कलेक्शन यहाँ से गाड़ी में हैचरी की यूनिट पर चल जाता है जी। पानी का सिस्टम हमारा है जी, लुबिंग कंपनी का जर्मन सिस्टम है ये बर्ड इसमें ना तो वेस्टेज होता है पानी, ना खराब होता है। जितनी बर्ड का जरूरत होती है उतना मिलता है जी। नमस्कार भाइयों, जय जवान जय किसान। भाइयों आज मैं आप पहुँचा हूँ करनाल हरियाणा। आज आपको एक ऐसा फार्म दिखाऊंगा, ऐसा देसी लेयर पोल्ट्री फार्म दिखाऊंगा, शायद आपने ऐसा फार्म अब तक ना देखा हो। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में देसी अंडा प्रोड्यूस किया जा रहा है। उस अंडे को हैचरी में लगाया जाता है, हैचरी से चिक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई किया जाता है। इतनी बड़ी हैचरी भी शायद आपने अभी तक शायद ना देखी हो। बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे देसी पेरेंट बर्ड्स हैं और एक बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर देसी पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस को किया जा रहा है। तो देर ना करते हुए मिलवाता हूँ आपको इस फार्म के ओनर से, जानेंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे और कराएंगे इनके फार्म का एक शानदार सा टूर। हेलो भैया। हेलो, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज आपके फार्म पे आए हैं, एक बहुत बड़ा फार्म आपने बना रखा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं इस फार्म के अंदर। तो सबसे छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। कविश जनक हैचरी से, और हमारा कलर्ड बर्ड का काम है, देसी बर्ड का, और हम डे ओल्ड चिक सेल आउट करते हैं। सिर्फ ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में हमारी सप्लाई है जी। और वैसे हम कई बार हजारीबाग झारखंड में कस्टमाइज पे या गुवाहाटी के अंदर भी अंडा लगाते हैं। मोस्टली हमारा यही हो जाता है। J&K में हमारा बहुत काम है, हिमाचल में, उत्तरांचल में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, गुजरात तक जाता है और उधर लास्ट एंड बिहार तक। यहाँ से जो हम डीलिंग यहाँ से करते हैं। आप चिक प्रोड्यूसर हो बहुत बड़े लेवल पे। आपके फार्म का छोटा सा टूर करेंगे हम, आप आगे आगे हम पीछे पीछे, ठीक है? चलिए। अच्छा तो भैया कितना टाइम हो गया इस व्यवसाय में आपको? 30 साल के आसपास हो गए हैं जी। 30 साल हो गए मेरे को, 15 साल हो गए, उससे पहले 15-20 साल पहले पापा ने लगाया था जी। दोस्तों अभी मल्टी स्टोरी फार्म है इनका। फार्म कहाँ चलते हैं, यहाँ से है एंट्री और अंदर कलर बर्ड है जो देसी बर्ड है, उसी का काम है यहाँ पे इस वाले फार्म पे। बाकी इसके अलावा भैया का ब्रॉयलर बर्ड का भी काम है ना? ब्रॉयलर का 430 का जी। हाँ दोस्तों ये है कलर बर्ड और बहुत अच्छी क्वान्टिटी में। क्या क्वान्टिटी है भैया यहाँ पे? इस कमरे के अंदर 900 बर्ड है जी। जी इस बर्ड कमरे के अंदर हमारे पास, मतलब जैसे हमारा 40 बाय 30 का कमरा है, 1200 स्क्वायर फुट, तो इसके अंदर 500 बर्ड के आसपास आता है टोटल। डीप लीटर में भी आपने ऑटोमेटेड दे रखा है। देखो यहाँ पे पानी का सिस्टम बिल्कुल एक यूनिक है। क्या है पानी का, थोड़ा समझाएंगे इसे? ये पानी का सिस्टम हमारा है जी, लुबिंग कंपनी का जर्मन सिस्टम है ये बर्ड इसमें ना तो वेस्टेज होता है पानी, ना खराब होता है। जितनी बर्ड का जरूरत होती है उतना मिलता है जी। बाकी एसी आप देख रहे हो जैसे हमारे घरों में सेंसर लगे होते हैं वैसे है जी। कि जैसे चलेगा पीछे कूलिंग आ रही है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है इस टाइम 25 डिग्री पे है जी। बढ़ेगा तो और फैंस होना जाएंगे, अगर कम होएगा तो वो हो जाएगा, बंद होते जाएंगे धीरे धीरे, उसी टेम्परेचर में मेंटेन रहेगा। बर्ड के लिए जो अच्छा रहेगा, बर्ड आपके सामने बहुत हेल्दी आराम मजे से बैठा है। भाई आप देख सकते हैं ड्रोन शॉट्स में, अभी तो उनका एक फार्म है और यहाँ पे भी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। क्यों भैया? बहुत जी, इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आपको क्या बताएं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा जैसे आपके ये वाला मल्टी स्टोरी शेड है यहाँ, इस वाला शेड में हम चल कर देखते हैं कैसा बर्ड है, ठीक है ना? क्योंकि काफ़ी एक पेरेंट, काफ़ी खूबसूरत पेरेंट है बर्ड। अच्छा हैचरी भी होगी भैया आपकी तो यहाँ पे कहीं आसपास? जी हैचरी की मेरी अलग से है यहाँ पे पास में, तो वहाँ यहाँ से सारा अंडा वहाँ जाता है, उसमें चिक्स निकलता है जी। दोस्तों हैचरी की क्लिप डाल देता हूँ मैं, आप देख सकते हो। और ये इनका देखिए सारा यहाँ से वहाँ तक जी, मतलब जहाँ जहाँ तक फार्म है पूरे में बर्ड है और डीप लीटर में पल रहा है। अच्छा खाने में क्या दे रहे हैं भैया इसको आप? दाना चलता है जी सारा, इसको 1 टाइम फीडिंग होती है सुबह 4 बजे, तो बर्ड अपना खा लेता है। दिन भर अपना अंडे पे ध्यान रखता है अंडा देने के ऊपर। अच्छा फार्म के पास ही आप यहाँ पे एग कलेक्ट करवा रहे हो? ये एग कलेक्शन होने के बाद सफाई हो गई, इसमें फ्यूमिगेशन होती है। अच्छा, ताकि कोई भी बैक्टीरिया यहाँ से आगे ना जा पाए। आइए आपको स्टोर दिखाते हैं अपना। अच्छा फ्यूमिगेशन क्या चीज़, मतलब इसमें क्या दवाई फेंकी जाएंगे? फॉर्मलिन और पोटेशियम रखा जाता है ताकि वो बर्ड, ये जो अंडा है ये अपने हर पोर के अंदर से वो लेने लग जाता है सांस। अच्छा, तो इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया फार्म लेवल से बैक्टीरिया ना जा पाए आगे जी, वो यहीं का यहीं बैक्टीरिया खत्म हो जाए। यहाँ पे यही काम हो रहा है सारा, है ना? हाँ सफाई का जी। तो अंदर क्या मतलब आपने एग का कलेक्शन का बना रखा? हाँ जी, ये कोल्ड स्टोरेज होता है जी, कोल्ड रूम है ये। यहाँ आप देखेंगे कि एकदम दोस्तों क्वांटिटी देखो आप कितनी अच्छी क्वांटिटी है, एक दिन के अंडे हैं। हाँ, ये डेली शाम को कलेक्शन यहाँ से गाड़ी में हैचरी की यूनिट पर चल जाता है जी। और आपको खड़े हो गए ठंड का एहसास हुआ कुछ? बिल्कुल जी, 2-2 एसी चल रहे हैं, दिख रहा है वो। ये 2-2 टन के एसी हैं ये चलते हैं। इसका टेम्परेचर भी पूरा फ़ारेनहाइट में रहता है, 62 to 68 फ़ारेनहाइट पे यहाँ सेट रहेगा। अच्छा ठंडा क्यों करते हैं इन्हें? ये ताकि ये बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है अंडे के अंदर से। अच्छा, आप देख रहे होंगे डेट लिखी हुई है सबके ऊपर अंडे पे। 11 तारीख लिखी हुई है दोस्तों, दिखा देता हूँ आपको, सब जगह लिखी हुई शूट हो रही है ये, और आज ही कलेक्ट हुआ है अंडा ये सारा। ये अब इसके अंदर से बच्चा जो है ना सांस मुर्गी के पेट से लेना शुरू कर देता है। अगर हम इसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो कभी बच्चा पहले बन जाएगा, कोई लेट बन जाएगा, तो इसका टेम्परेचर कंट्रोल रखेंगे बनेगा नहीं। जब इसको इंक्यूबेटर्स में डालेंगे तो एक ही बराबर सबको हीट मिलनी शुरू होगी एक ही टाइम पे, और एक ही टाइम पे सारे का सारा अंडा बच्चा हमारा निकलेगा। वरना तो कोई अंडा बच्चा सुबह निकल जाएगा, शाम को सबको बराबर जितना टेम्परेचर चाहिए उतना मिलेगा जी। इसलिए इसको एक टेम्परेचर पर रखा जाता है, उसके बाद वहाँ पे जो इसका टेम्परेचर है उस पर रखा जाएगा। अच्छा, जो अपनी हैचरी है, इंक्यूबेटर्स ने बड़े बड़े देख रहे हैं, ये तो काफी अच्छी कैपेसिटी है। हाँ जी, हाँ जी, भाई आपको सारे इंक्यूबेटर्स हैचर्स दिखाते हैं, 18 में रहते हैं। दोस्तों मेरे भाइयों, अभी हम पहुँच चुके हैं इनकी हैचरी में, और जहाँ तक निगाह घुमाओगे वहाँ तक इनके मशीन लगी हुई, इंक्यूबेटर मशीन। तो भैया कितनी मशीनें हैं अपने यहाँ पे? अपने यहाँ पे तकरीबन 20 और यहाँ 40 इनक्यूबेटर्स हैं। 40 इनक्यूबेटर्स हैं ये। तो कितना अंडा लगा हुआ है यहाँ पे अभी? अंडा बहुत लगता है जी, इन 40 इनक्यूबेटर्स में हमारे सारी जगह का अंडा लग जाता है जी। कॉप भी है उसके अंदर, देसी भी है ना? हाँ जी, हाँ जी, सारा कॉप भी, देसी भी, सब लगता है इसके अंदर जी। तो इनक्यूबेटर का क्या प्रोसेस होता है वैसे? जैसे आप वहाँ कोल्ड स्टोरेज से यहाँ लेकर आए, जो अपने रूम दिखाया था, कोल्ड स्टोरेज से आया, उसके बाद यहाँ आया, तो हम इनक्यूबेटर्स में 18 दिन अंडा रहता है हमारा। अच्छा, तो हर एक उसके बाद 1 घंटे बाद इसकी रोटेशन होती है अंदर। 18 दिन इसमें रोटेशन होती रहती है जी। जैसे वे लाइट जला रहे हो आप, इधर देखोगे टेम्परेचर कंट्रोल होएगा सारा, टेम्परेचर भी है यहाँ ये हर उसके बाद आगे पीछे होता है। ये देखो 1 घंटे बाद पूरा इसका आगे पीछे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पीछे इसमें हीटर लगे हुए हैं भाई, यहाँ आके लग गया, देखो डेट भी लिखी हुई है, ठीक है ना। यहाँ आके ये रोटेशन होती है, और 13 दिन तक, 18 दिन में चूजा निकल आता है इसमें। 18 दिन इंक्यूबेटर में रहता है, फिर कैंडलिंग होकर हैचर में जाता है, 3 दिन हैचर में रहता है, उसके बाद निकलता है। 21 दिन का पूरा टाइम होता है। अच्छा, ये है आपका इंक्यूबेटर, हैचर भी कोई और दूसरा? आगे हैचर दिखा दो एक बार हमें दोस्तों, ये देखो कैसे रोटेट हो रहा है अंडा। और यहाँ इसमें एक मशीन कितने लगे हुए हैं? एक मशीन में 15,120 आते हैं, इस वाली मशीन में 30,000, एक मशीन में 30,000 आता है, इसमें 15,000। आप ये देखोगे इसके अंदर पूरा टेम्परेचर, हर एक घंटे का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टर्निंग कहाँ है, फ्रंट बैक है, ये किसने उसको देखा है, सारे सिग्नेचर सारा कुछ आता है। मतलब पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है इसमें पूरा। पोल्ट्री में तो मतलब एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, हल्की सी गलती हुई सारा हैच खराब, ऐसा भी होता है ना? बिल्कुल जी, सारा कुछ पीछे जैसे हर मशीन के ऊपर लगी हुई, देखो सबके साइन हो रखे हैं, जो बंदा ऑपरेट करेगा उसको साइन होने बहुत ज़रूरी है, वो जिम्मेदार आदमी है इसका मतलब, है ना। और ये है इनका हैचर, यहाँ पे 18 दिन रहा, उसके कैंडलिंग होकर यहाँ आ जाता है, हैचर के अंदर रहता है। 3 दिन हैचर में रहता है, फिर हैचर से चिक्स निकल के हमारा आगे चिक्स रूम में जाता है, वहाँ से पैकिंग होके ग्रेडिंग होके फिर आगे जाता है। ये इसके अंदर मतलब सारे बच्चे यहाँ निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएंगे ये? यहाँ से निकल के चिक्स निकल के यहाँ जाएगा। ओहो, डब्बे रखे हुए हैं, ये तो पूरा बड़ा वेयर हाउस है। यहाँ पे चिक्स निकल के यहाँ आता है, फिर यहाँ ग्रेडिंग होती है, वैक्सीनेशन होती है। अच्छा, वैक्सीन भी होती है यहाँ पे? हाँ, वैक्सीनेशन होके जैसे सुबह चिक्स निकलता है हमारा 6 बजे तक, तो उसको शाम हो जाती है पैक होते होते, ग्रेडिंग पैकिंग, और शाम को गाड़ियों से डिस्पैच होता है जी। और ये डब्बे रखे हुए हैं भाई, ये डब्बे हमारे, ये देसी चिक्स के डब्बे ये हैं जी, ये हमारे ब्रायलर चिक्स के डब्बे हैं जी जी। और यहाँ से अपना आगे जैसे हमारे डीलर के माध्यम से जाता है सारी जगह चिक्स, कोई छोटा डीलर है ट्रेन से भी चला जाता है, हरियाणा, पंजाब, J&K, हिमाचल, उत्तरांचल, आप इधर राजस्थान, गुजरात, यूपी पूरा कवर करते हैं, थोड़ा सा बिहार तक भी। जहाँ ट्रेन से चला जाता है वहाँ ट्रेन पे, गाड़ी से जाता है, क्वांटिटी के ऊपर होता है। भैया देखो, आप एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पे लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, सब कुछ मैनेज कर रहे हो यहाँ पे। अपना जो देसी बर्ड है उसकी जैसे कोब की तो हमें पता है डिमांड बहुत है, ब्रोलर की मीट पर्पस के लिए मेन इसकी मंडी भी है, देसी की डिमांड है आपके पास? बहुत है जी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरा बहुत ज़्यादा होल्ड जो है, आप अगर देखेंगे बड़े की जगह जो बैकयार्ड पोल्ट्री के अंदर है। बैकयार्ड पोल्ट्री क्या हो गया, अपने घरों में लोगों ने, किसी ने 10 मुर्गियां रखी, किसी ने 20 रखी। अब ये हमारा उसके ऊपर गेम सारी डिपेंड करती है। हम लोगों को इस चीज़ के बारे में समझाते हैं। जैसे फार्मर हमारे से बच्चा लेता है, किसी ने 3000 बच्चा लिया, उसके ब्रूडिंग करी 8-10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, तो उसके बाद उसने वेंडर्स जितने होते हैं साइकिल पे, विक्की पे, वो उसको गांव-गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उससे लोगों की हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज होती है, हाउस होल्ड लेडीज़ की होती है, लेडीज़ उसको रखती हैं। जितना भी हमारा घर का वेस्ट होता है, जैसे चावल बच गया, रोटी बच गई, सब्जी बच गई, उस पर किसी घर में 10 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 50 हैं, और वो लोग इसको हाउस होल्ड वेस्ट में पालते हैं। हमारा फूड भी वेस्ट नहीं हुआ और सारा कुछ कंज्यूम भी हो गया है। आउटपुट में क्या हुआ जी, जैसे 15 दिन का ब्रूडिंग हुआ बच्चा या 12 दिन का लिया, मरने के चांसेस कम होते हैं, लोग घरों में रखते हैं उसको, तो 4-5 महीने की ब्रूडिंग के बाद वो घर पे अंडे देने लग जाता है बर्ड। ये ड्यूल पर्पस बर्ड है, आप इसको मीट पे भी यूज कर सकते हो और एग के लिए भी कर सकते हो। तो लोग क्या घरों में क्या लेडीज उससे अंडे लेती हैं। आपने देखा होगा कंट्री एग सर्दियों के अंदर कितना महंगा बिकता है, इतना स्टोर्स पे नहीं बिकता महंगा जितना घरों पे महंगा बिक जाता है। वो कैसे बिकता है, जो लोग खुद शौकीन होते हैं खाने के या जिनको पता होता है भाई वहाँ ये चीज मिलेगी, लोगों ने इन्होंने घर पे मुर्गी रखी हुई है तो उनके पास ढूंढते हुए बहुत लोग आते हैं तो वो उनसे लेके जाते हैं। तो उसमें हाउस होल्ड जो बैकयार्ड पोल्ट्री जो जिनको इनकम की बहुत दिक्कत रहती है, घर के अंदर एक लेबर का काम कर रहा है, तो लेडीज उस हाफ से भी बहुत अच्छी इनकम हो जाती है उनकी सर्दियों में। घर की इनकम फिक्स हो जाती है, घर की इनकम फिक्स हो जाती है। और कल को लास्ट में जब वो बर्ड सेल आउट करते हैं, देसी बर्ड बिकता भी महंगा है, देसी खाने वाले भी बहुत आपको मिलेंगे, उसके लिए पैसे भी खर्चेंगे। ब्रायलर की एक अलग अपनी मार्केट है, वो रेस्टोरेंट में, ये तो खाने वाले लेंगे और अच्छे पैसे में बिकता है। तो इससे आप ये देखेंगे कि उनको स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिल रही है बैकयार्ड पोल्ट्री से अपने इनकम सोर्स के लिए लेडीज को। हमारे देश में आप देखेंगे जब आप छोटे शहरों में गाँव में जाएंगे, वहाँ घर में एक आदमी काम करता है, सारा परिवार खाता है। इसमें क्या होता है, जो लेडीज बच्चे सब इन्वॉल्व होके हेल्प काम करते हैं। कईयों ने, मैंने यहाँ तक देखा है लोगों ने अपने घर के अंदर, लेडीज़ ने, एक लेडीज़ की मैं आपको बताता हूँ, यूपी के अंदर इधर गंगो के पास एक गांव है, उसका नाम मैं आपको नहीं बता रहा, उसके गंगो के साथ ही है। उस लेडी ने अपने घर के अंदर एक कमरा बना के 300 मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो वो सर्दियों के अंदर उस अंडे को मार्केटिंग शामली करनाल जैसी जगहों पर करते हैं। बहुत अच्छा इनकम सोर्स है उनका, और उनकी 2 लड़कियाँ और 1 लड़का, और इसमें उनका साथ देते हैं, शौक भी पूरा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो इनकम भी है। जी जी जी। और उनका हस्बैंड ड्राइवरी करता है, तो वो इस चीज़ को इतना वो करते हैं कि जी हम इससे इतने अच्छी इनकम हो जाती है हमारे घर के लिए। तो बहुत लोग ऐसे, एक नहीं इतने मल्टीपल सोर्सेज हैं लोगों के इनकम के लिए। आपको पता है कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये एक अच्छा, आप किसी को प्रोटीन सोर्स दे रहे हो, अच्छी चीज़ दे रहे हो, लोग खाने में भी वो होते हैं। मार्केट से आपको हर चीज़ मिलेगी, मगर ये चीज़ जो मिलती है वो बहुत कम मिलती है। और लोग इसके अंदर इतने ज़्यादा जो कर रहे हैं, इसे कई कई सालों से, 10-10, 15-15 सालों से अपने घरों में रखे हुए हैं। जी। तो भाइयों ये है भैया का फीड रूम, फीड मिल कह सकते हैं, फिर इन्वेंट्री कह सकते हैं। और देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं। क्या भैया थोड़ा सिस्टम समझा दो यहाँ का। ये हमारी फीड मिल है, यहाँ से दाना बन के जाता है मुर्गियों के लिए। जी। तो जैसे कि ये इधर सोयाबीन आप देख रहे होंगे, सोयाबीन है, ये मक्की है। जी। मक्की क्वालिटी मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। जी जी। आप अब भी देख सकते हैं, ये सारी भाइयों मक्की क्वालिटी देखो आप, A1 ग्रेड की मक्की है देखो। अच्छा, तो ये इतनी अच्छी वाली क्यों यूज़ करते हैं जी पोल्ट्री में? ऐसा है जी, अगर कोई भी बैक्टीरिया या फंगस इसके जरिए चली गई टॉक्सिटी, तो बर्ड की बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, ब्रीडर स्टॉक की। ये सीधा उसके गट पे, ओवरी पे इफेक्ट करती है, मतलब थोड़ी सी कंजूसी नुकसान ज़्यादा कर देगी, है ना। आप सोया देखेंगे, सोया भी गोयल का है। अच्छा। दीप ज्योति के नाम से गोयल का सोया। सोयाबीन किस फॉर्म में आता है, मतलब पैलेट के फॉर्म में आता है कि, या फिर मतलब जो तेल निकाल के देते हैं? तेल निकाल के, इसको कहते हैं डीओसी, डीओएल सोयाबीन केक्स। ओके ओके। ये देखो डीओसी है दोस्तों, इसके अंदर 46+% प्रोटीन होता है। जी। 46 गारंटी में ऑयल निकाल के फिर ही आई हुई आपके पास। हाँ जी, ऑयल जो आप खाते हो वो ऑयल हो गया। जी। ये हमारी, इसको चलाना जी, ये जैसे यहाँ पे पहले डलेगी, सबसे पहले जो भी हमारा तुल के इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे, डीसीपी मेज सोयाबीन इधर डल के। जी। ये उठाएगा, उधर से ग्राइंडर में जाएगा, ऑटोमेटिक मशीन। हाँ जी। ये मिक्सर इधर से बिन में जाएगा, उसके मिक्स होकर यहाँ पे जो हमने विटामिन वगैरह जो सब डालने हैं। चल पड़ी भाई, देखो ये यहाँ पे गिरना शुरू कर दे, कट्टे भर लेते हैं यहाँ पे, ये मतलब खुद उठाएगा और खुद मिक्स करके नहीं, मिक्सचर इसमें होगा ना, उसके बाद निकालेंगे यहाँ से, खुद उठाएगा, ये कन्वेयर उठाएगा, वहाँ से ग्राइंडर में जाएगा। जी। वो उठा के इस बिन में डालेगा, जैसे एक लॉट यहाँ तैयार हो जाएगा। मिक्सिंग में 15-20 मिनट लगते हैं, थोरोली हमें मेडिसिन विटामिन हर चीज़ अच्छे से मिक्स करनी पड़ती है। जी। ये निकलेगा ऊपर, इतने में ग्राइंड होकर तैयार हो जाएगा और नीचे आएगा। जी 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 जी। तो ये अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे के अंदर 4 से 5 टन दाना निकाल देता है। तो कुछ फॉर्मूला भी तो होगा इसका कि बनाने का? फॉर्मूला बर्ड के अकॉर्डिंग होता है जी, किसको कितनी प्रोटीन या एनर्जी चाहिए, उसकी एज के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। नया बर्ड है तो एक्सरसाइज इंक्रीज करने का होता है, एक्सरसाइज मेंटेन करने का होता है। जी। क्योंकि हैचिंग के लिए हमारे को एक्सरसाइज का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भैया इतने बड़े प्लांट में डॉक्टर्स भी काफ़ी रहते होंगे आपके अंडर? नहीं, एक्चुअली डॉक्टर साहब हमारे पास एक ही आते हैं, बाकी जो डॉक्टर B.S. शर्मा जी हैं हमारे, जो इस चीज़ में जिन्होंने काफ़ी रिसर्च भी करी थी, उनसे मैंने सारा कुछ सीखा है। भवानी शंकर शर्मा जी हैं सोनीपत के। जी। तो उनसे मैंने सब कुछ सीखा है, बाकी मेरे पापा ही गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सब चलता रहता है। उन्होंने सेल्स में, उन्होंने भी इस चीज़ में बहुत टाइम लगाया, 20 साल उन्होंने भी लगाए हैं। तो उसके बाद ये सब उनसे सीखने के बाद चला है। जी। डॉक्टर शर्मा जी हमारे पास रेगुलर विजिट करते हैं, तो उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। बाकी हमारे जितने भी इंचार्ज हैं वो लोग सब बहुत बढ़िया से देखते हैं सारा सिस्टम को। हैचरी के अलग है, फार्म के अलग है, इसकी फीड फॉर्मुलेशन जो बर्ड के अकॉर्डिंग जो नीड होती है उसकी उसके अकॉर्डिंग चलती है, कितना प्रोटीन चाहिए कितना एनर्जी चाहिए उसी हिसाब से बैलेंस डाइट बैलेंस सिस्टम चलता है सारा। जी तो भाइयों भैया ने इतनी शानदार जानकारी दी हमें, अपने फार्म के कोने से रूबरू कराया इन्होंने, और जितनी ज़्यादा जानकारी देते थे ये मतलब इनके पास टाइम बहुत कम होता है, टाइम निकाला हमारे लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इनका बहुत बड़े लेवल पर काम है, जनक हैचरी इनकी हैचरी का नाम है, करनाल में बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और आज मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली इस फार्म से आके, मैं आशा करता हूँ आपको भी इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी, और भैया ने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हर चीज़ को बताया। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।